welcome dear students today is the fifth lecture of the lecture series uh, assistant registrar cooperative societies and this lecture uh, today's topic is the spread of cooperative movement in the world and it is in the continuation of the topic history of cooperatives in the world so uh, lastly Uh, कुछ इम्पोटेंट प्रमोनेंट सोसाइटीज़ को कवर कराएं जैसे कि हमने इससे पहले रॉज टेल्स पाए सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया है लेक्चर like फोर में आप देख सकते हैं जर्मनी की रेफेसन मॉडल और हरमन शुल्जे मॉडल पे जो क्रेडिट यूनियंस बनी हुई हैं रूरल या, या अर्बन तो हमने वो सब डिस्कस करा हुआ है टुडे वी आर गोइंग टू सी देन हाउ डिड दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड एक्सेल एंड इसका मोमेंटम इसने कैसे गेन किया और कहाँ कहाँ पे फैली तो so, यहाँ पर आप देख सकते हो हियर द इट इज़ शोइंग द ऑरिजन ओके यहाँ पर आप देख सकते हो औरिजन देन इट इज़ फ्रेडिंग ओके हमने यहाँ पर कवर कर रखा है जर्मनी एंड इसी तरह से फ्रांस इटली हम कवर करेंगे तो और भी इसमें जो भी रहता है वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो लेट स्टार्ट Uh, जैसे कि हमें इससे पहले पता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी वो बहुत पॉपुलर ही हुई थी आफ्टर रोशन तो ज़्यादा ही हुई थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज़ दैट जहाँ पर जो कंज्यूमर्स की नीड्स होती हैं जैसे फ़ूड वग़ैरह हमने जैसे पिछले टाइम में पढ़ा हुआ था ओट मील फूड्स वग़ैरह जो क्वालिटी फ़ूड्स मिलती हैं अन एडल्टर्ड फूड्स एट रीजनेबल रेट्स तो वैसी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी और आफ्टर रॉजटेल्स पाइनर्स तो ये उसके बाद फ्रांस जर्मनी बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया इटली वगैरह डेनमार्क में भी इन्होंने तूल पकड़ लिया दैन uh, इसका एक कन्सेप्ट तो इंग्लैंड से ही आया हुआ है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स का इसी तरह से जर्मनी से क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जो कि हमने देखे क्रेडिट यूनियंस वहाँ पे बनी रूरल और अर्बन तो वो जर्मनी से वहाँ उसका कन्सेप्ट आया मल्टीपरपज़ कोऑपरेटिव्स मल्टीपरपज़ कोऑपरेटिव्स ऐसे होते हैं कि जो अचीव करते हैं मल्टीपरप ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए दो से ज़्यादा बिजनेस बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो ये एक सोसाइटी है वो क्रेडिट भी दे रही हैं और प्रोडक्शन का काम भी कर रही हैं या क्रेडिट दे रही हैं प्रोडक्शन का काम कर रही हैं साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी दे रही हैं तो ऐसी जो सोसाइटीज़ होती हैं ऐसी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ उनको हम बोलते हैं मल्टीपरपज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसे ही जापान से देन मार्केटिंग सोसाइटीज़ यानी कि चीज़ें किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपने बल्क में ले ली देन उसकी मार्केटिंग वगैरह का जिम्मा बेड़ा जो है वो आप उठा लेते हैं ठीक है या जैसे यहाँ पे अमूल वगैरह के पीछे जो कॉपरेटिव काम करते हैं वो भी ऐसी है मार्केटिंग सोसाइटीज़ तो फार्मर्स अलग अलग, अलग यूनियन से या कलेक्शन सेंटर्स से लाते हैं एंड देन वहाँ पे उसका बल्क में मार्केटिंग का काम वो हैंडल करते हैं ऐसे टाइप की मार्केटिंग सोसाइटीज़ इसी तरह से कलेक्टिव फार्म्स रशिया में तो ये हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे देन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव फ्रॉम चाइना ये कुछ मॉडल्स हैं कोऑपरेटिव्स के जो अडॉप्ट की गई जो विद एवोल्यूशन टाइम टू तो टाइम अडॉप्ट होती गई तो चलिए आगे हम देखते हैं कि आज पहले डिस्कस करते हैं ग्रेट ब्रिटेन इसमें हमें कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जैसे रॉबर्ट ओवन हैं इनके बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे और दूसरे हैं डॉक्टर विलियम किंग इनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे पहले देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन में हमने तो देख ही लिया है इंग्लैंड वगैरह जो हैं वो पहले हमने पढ़ा था स्कॉटलैंड से शोर पॉटर्स एसोसिएशन के बाद फैन वीवर्स वग़ैरह फैनविक विक कंज्यूमर सोसाइटी वगैरह ऐसे ही देन आते आते 1844 में रॉज डील्स पाइनेस सोसाइटी बनी तो ये जो है इसमें फिर आ, क्या था कि रॉबर्ट ओवन जो थे वेल्स के रहने वाले कॉटन ट्रेडर थे आ, अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि अपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचते थे तो उनको भी जैसे उनकी थोड़ी वेज में फ़र्क डाल देते थे ज़्यादा वेज दे देते थे और उनके वर्किंग आवर्स कम कर देते थे उनकी एजुकेशन की तरफ़ ध्यान देते थे उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते थे तो ऐसे तरीके की जो ये काम एक्टिविटीज़ करते थे इट वॉज़ इन ऑन द लाइन ऑफ कॉपरेशन ये सिर्फ कैपिटलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते थे कि बस मुझे प्रॉफिट्स चाहिए बल्कि ये ये भी चाहते थे कि प्रॉफिट्स भी मिले लेकिन कम्युनिटी का भी भला हो मेरे जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ भी आ, सही हो उनकी भी उनको भी मज़री ना उठानी पड़े तो ये जो रॉबर्ट ओवन है इनको फादर ऑफ़ कॉपरेटिव मोमेंट माना जाता है हम इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं और इन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ सेमी सेल्फ कंटेंट सेमी एग्रीकल्चरल एंड सेमी इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज ओके सेल्फ़ कंटेंट का मतलब होता है जिनको जिनके पास सब कुछ हो फिर जिनको बाहर के सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े सेल्फ uh, कंटेंड अपने आप में मुकम्मल पूरे वैसी टाइप की सेमी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बनाई जाएँ या इंडस्ट्रियल कम्यूनिटीज़ बनाई जाएँ तो ये रॉबर्ट uh, ओन का ही कंसेप्ट दिया हुआ है देन उसके बाद जो डॉक्टर विलियम किंग आए उन्होंने भी जो ओवन की डॉक्ट्राइन है रॉबर्ट ओव के थॉट्स थे रॉबर्ट ओन का जो भी आइडियोलॉजी था उन्होंने उसको मोर प्रैक्टिकली यूज़ करवाया उन्होंने उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाया लोगों को एंड uh, ये जो है ये दो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है सो so, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं रॉबर्ट ओहन को माना जाता है फादर ऑफ़ कोऑपरेटिव मूवमेंट और इन्होंने कंसेप्ट दिया था आ, लेबर एक्सचेंज का लेबर एक्सचेंज क्या है लेबर नोट्स जैसे होते हैं मान लीजिए वहाँ पे एक लेबर नोट दिया जाता था मैं आपको ऐसे समझाती हूँ इस लेबर नोट का एस्टिमेटेड वैल्यू जो होता था ना वो होता था किसी आर्टिकल को मान लीजिए आर्टिकल ए है आर्टिकल ए देने के लिए वो एक्सचेंज ऑफिस गए ठीक है तो एक्सचेंज ऑफिस गया प्रोडक्शन करने वाला उसने अपना ये प्रोडक्शन करने वाला बंदा है इन्होंने प्रोड्यूस करा है आर्टिकल ए तो ये दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफिस को ये आर्टिकल ए अब ये जो एक्सचेंज ऑफिस वाले हैं ना ये इसको एक लेबर कार्ड देता है लेबर नोट और इस लेबर नोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी जितनी की लेबर इसको इस ए को प्रोड्यूस करने में लगी हो मान लीजिए दो लेबर्स ने मिलकर इसको बनाया और एक लेबर पाँच सौ की दाढ़ी लेता है तो दो लेबर्स इंटू टू मतलब हज़ार ओके तो इस आ, की जो है वैल्यू हुई होगी हज़ार अब हज़ार के ये लेबर नोट दिखा कर ये हज़ार के वैल्यू की इक्वलेंट चीज़ें कहीं से ले सकता है या तो लेबर एक्सचेंज ऑफिस ही सॉरी एक्सचेंज ऑफिस जाकर ये लेबर नोट को एक्सचेंज करके इसके मध्य बदल इसके वैल्यू के हिसाब से चीज़ें ले सकता है ये जो था लेबर नोट का कंसेप्ट ये भी ओवर नहीं दिया था लेकिन ये ज़्यादा देर चल नहीं पाया क्योंकि वो दे तो देते थे लेबर नोट तो मतलब उन्होंने पैसे तो अदा कर दिए और ये जो थे आर्टिकल्स अगर बिकते नहीं अनसेलेबल बर्डन अनसेलेबल आर्टिकल्स का एक हीप क्रिएट हो जाता था यहाँ से लेबर नोट्स तो निकल जाते थे वैल्यू तो उनकी वापस मिल जाती थी लेकिन जो आर्टिकल्स हैं पूरी अगर ज़्यादा सेल ना हो पाते तो वो जो उसका हीप लग जाता था इट वुड बिकम अ बर्डन देन तो ये ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया ये कंसेप्ट फिर आते हैं डॉक्टर विलियम किंग विलियम जो विलियम किंग जो थे इन्होंने एक पेपर चलाया द कोऑपरेटर जिसका नाम था एक पेपर चलाया इन्होंने जिसका नाम कोऑपरेटर था और इसका फर्स्ट एडिशन आया था मे फर्स्ट एटीन को ये जो विद डॉक्टर विलियम किंग थे ये बहुत इन्फ्लेंसड थे विद द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ रॉबर्ट ओवन और इन्होंने क्या दिया मिक्सचर ऑफ कॉपरेटिव फ़िलासफ़ी एंड प्रैक्टिकल एडवाइस इसके साथ साथ अपनी आइडियाज थाट्स को देने के साथ साथ फ़िलासफी को देने के साथ साथ इन्होंने एक प्रैक्टिकल एडवाइस भी दिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया कि कैसे चलानी है किसी कॉपरेटिव शॉप को ऑन द लाइंस ऑफ एक कॉपरेटिव शॉप अगर कोई खोल रहा है तो ऑन द लाइंस ऑफ कॉपरेटिव प्रिंसिपल्स उसको कैसे चलाना है ये डॉक्टर विलियम किंग ने बताया तो इसके बाद आते हैं कॉपरेटिव मूवमेंट के स्प्रेड कहाँ पर हुए फिर यहाँ पर पहला देखते हैं जर्मनी जर्मनी में हम हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी में कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ और प्रोमनेंट नेम्स जो हैं फ़िलहाल हम ले लेते हैं लेक्चर फोर में आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से वहाँ पर मैंने डिस्कस करा हुआ है यहाँ पर मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ और रफेसन थे तो इन्होंने क्या किया था क्रेडिट एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स जर्मनी में किस जगह पे रूरल जगहों पे इंट्रोड्यूस करा हुआ था और इसका फोकस फार्मर्स थे ज़्यादा ऐसी क्रेडिट यूनियन जिनका फोकस फार्मर्स थे जैसे उनको ऐसी क्रेडिट मिलती थी इसलिए क्रेडिट मिलती थी ताकि वो फ़र्टिलाइज़र्स सीड्स कैटल को अफोर्ड कर सकें और उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहे लोन शार्क से चंगल्स में वो ना फंसे तो इस ऐसी ऐसा कंसेप्ट जो दिया था वो रेफिसन का था हालांकि ये हरमन शुल्स के बाद आए लेकिन इन इनका जो मॉडल है वो ज़्यादा इन्फ्लुन्शल और पावरफुल रहा वो ज़्यादा फैला हरमन शुल्स जो थे उन्होंने भी क्या करा क्रेडिट यूनियंस बनाए लेकिन अर्बन यानी कि शहरों में टाउन्स में और ऑब्सली टाउन्स में आर्टिज़न्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर ज़्यादा फोकस था तो इनकी जो क्रेडिट यूनियंस थी उसका फोकस भी ज़्यादा आर्ट आर्टिज़न्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे था जैसे कि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शू मेकर्स एसोसिएशन के लिए रॉ मटेरियल जो बल्क में अवेलेबल कराते थे, थे वैसी सोसाइटीज़ बनाना ये इन्होंने बनाया हुआ था सो so, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं लेक्चर हम में हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर फोर देन उसके बाद आते आते फिर इवॉल्व होता गया जर्मनी में ये जो स्टार्ट में वहाँ पे क्रेडिट लाइन के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेन हटाने के लिए पैसों की किल्लत जो थी मेंबर्स के बीच में फार्मर्स के बीच में उसको हटाने के लिए पहले पहले कॉपरेटिव इंट्रोड्यूस हुई क्रेडिट कॉपरेटिव लेकिन धीरे धीरे ये दूसरे जो है फील्ड्स में भी फैली जैसे कि इट डिड नॉट ओनली लिमिट इट्सल्फ टू क्रेडिट यूनियंस धीरे धीरे वो फिर आगे भी बढ़ी और फिर होते होते कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अर्बन रूरल वगैरह इस सब में भी uh, ये इवॉल्व होती रही तो ये तो था जर्मनी का उसके बाद देखते हैं आप डेनमार्क डेनमार्क में कैसे हुआ यू कैन सी द लोकेशन डेनमार्क यहाँ से आप देख रहे होंगे नीचे से योर जर्म जर्मनी तो ओबियसली इट हैज़ गॉट साथ साथ ही है तो इट्सप्रेड uh, तो डेनमार्क में क्या है कि डेनमार्क जो है एक्चुअली इट इज़ पोअर इन नैचुरल रिसोर्स इतना रिसोर्स इसके पास नहीं है नेचुरल रिसोर्स बट वहाँ की जो लैंड है बहुत फ़र्टाइल है तो सन्स लैंड फ़र्टाइल है तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत एप्ट है बिल्कुल सही है एग्रीकल्चर वहाँ पर uh, होती है और बहुत बड़ी स्केल पर होती है लेकिन वहाँ पर uh, क्या हुआ है कि इनफैक्ट वहाँ पे होम लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल कॉपरेशन भी डेनमार्क को ही कहा जाता है होम लैंड ऑफ एग्रीकल्चरल कॉपरेशन स्टार्ट में तो उन्होंने एक कंज्यूमर स्टोर ही वहाँ पर्टाब्लिश करी थी लेकिन उन्होंने धीरे धीरे वो डाइवर्ट कर दी टूवर्ड्स देश शिफ्टेड टुवर्ड्स द डेरी बिजनेस बिकॉज डेरी बिज़नेस में क्या हुआ कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और ये ज़्यादा ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी डेरी बिजनेस डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये ज़्यादा सक्सेसफुल रही और ओबियसली uh, वहाँ पे मिल्क बटर और चीज़ अबंडेंट प्रोडक्शन थी इन सब चीज़ों की तो डेरी बिजनेस वहाँ पर सक्सेसफुल था इसलिए इसमें इस फील्ड में कॉप्रेटिव भी सक्सेसफुल रही एक दैनिश इंजीनियर थे एलसी नेल्सो uh, 1878 में इन्होंने एक ऐसा प्रोसेस uh, दिखाया हुआ था इंट्रोड्यूस करा था जो क्या करता था मिल्क को क्रीम से अलग करता था तो इन लाइन्स में क्रीम को अलग बेचते थे मिल्क को अलग बेचते थे ऐसे तो uh, इ, इ, इन्हीं लाइंस पे फिर क्या हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी एक कॉपरेटिव डेयरी ऑर्गेनाइज़ करी कि इन्होंने एक यंग डेयरी मैन थे जिनका नाम था स्टेलिंग एंडरसन एटीन हंड्रेड एटी टू में जेडिंग में इन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ करी कोऑपरेटिव डेयरी और यही कॉपरेटिव डेयरी जो थी एटीन एटी टू में पहली ऐसी सोसाइटी बनी ये बहुत सक्सेसफुल भी रही और तब से एफर्ट्स हो रहे हैं कि कोऑपरेटिव डेरी मोमेंट को आगे चलाया जाए यहाँ तक कि डेनमार्क को कहा जाता है कोऑपरेटिव डेनमार्क सो so, इसमें इतना है अभी भी अगर आप इस टाइम भी देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग डेरी सप्लायर्स वगैरह जो होते हैं एक्सपोर्टर्स तो इन डेयरी प्रोडक्ट्स में इनका वन ऑफ़ द लीडिंग नाम आता है डेनमार्क का देन आते हैं इटली पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जर्मनी है ओके सो देन इटली स्प्रेड टू इटली अब आगे आते हैं यहाँ पर जो इटली में हैं जो दो बड़े प्रोमिनेंट नाम है एक तो है लुकी उजाटी और दूसरे हैं लियोन वोलमबर्ग ये दो नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा हुआ है इटली में इस कोऑपरेटिव मोमेंट को आगे बहुत चलाया है ये जो उजाटी है इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ इटलियन क्रेडिट यूनियन सिस्टम इटली में जो क्रेडिट यूनियन मोमेंट है उस उसके जो है फाउंडर उनको युगियोजैटी को माना जाता है इन्होंने 1913 में एक कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट भी इस्टाब्लिश किया था इस कॉपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट का ये काम था कि ये हेल्प करते थे जो भी नए कॉपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव्स बनते थे इस्टेब्लिश होते थे जो भी ऐसे कोऑपरेटि जो कि क्रेडिट देते हो कर्जा देते हो लोगों को पैसा देते हो तो उनको क्रेडिट कोपरेटिव को एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही स्टार्ट कर देते थे ये सपोर्ट करना आ, ये थे कोऑपरेटिव नेशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूट का जो मेन मोटो था इन्होंने क्या करा कि ये जो ल्यूगी उजाटी थे इन्होंने हरमन शुल्स जो कि जर्मनी में जिन्होंने क्रेडिट याद होगा आपको क्रेडिट यूनियन हरमन शोल्स ने क्रेडिट यूनियंस का कंसेप्ट दिया था लेकिन कहाँ पे अर्बन शहरों में तो वो वाला जो कन्सेप्ट था ना इन्होंने उसको बहुत पॉपुलराइज करा कहाँ पे इटली में यूगी उजाटी ने तो इन्होंने इटली में उसको पॉपुलराइज किया और एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ पीपल्स बैंक ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने पहले भी बोला है लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा होता है जितना आपने पैसा दिया अगर लॉस होता है तो उतना ही लॉस होगा उसके बाद और लॉस भरपाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है लिमिटेड लाइबिलिटी में है जितना लॉस हो गया जो आपने डाला था वो ख़त्म हो गया तो दिस मच इज़ योर लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी तो इन्होंने ऐसे ही बैंक्स को क्रिएट करा लिमिटेड लाइबिलिटी के बेसिस पर अगर आपको याद होगा हरमन शूल्ज़े जो बैंक्स थे जो क्रेडिट यूनियंस थे वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी के प्रिंसिपल पर काम करते थे सेंस कि ये उनको एडवोकेट करते थे उनके प्रिंसिपल्स को उनकी थॉट्स को तो उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी के बेसिस पर भी ऐसा एक टाइप का बैंक बना दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी थी कोऑपरेटिव बैंक तो ऐसा उन्होंने पहला स्टार्ट करा था 1866 में मिलान में एंड ये इसके शेयर होल्डर भी बने पहले तो ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपने फ्रेंड्स वगैरह जो हैं मेरी इस इसको ज्वाइन करें लेकिन वो भी पहले पहले इनके फ्रेंड्स भी थोड़े स्केप्टिकल थे इस बारे में एक नया कंसेप्ट था तो वो डर रहे थे लॉस ना हो जाए अलग अलग चीज़ों पे वो बहुत रिलकटेंट थे लेकिन फिर उन्होंने ज्वाइन करा 1866 में तो इन्होंने ये बना दिया था देन वट हैपन्ड कि यहाँ से जो थे डॉक्टर वॉलमबर्ग इन्होंने 1883 में फिर ओपन करा अपना एक विलेज बैंक क्या से रूरेली आ, लोरेजिया में 1883 में वो था 1866 में ओके okay? तो उसके बाद इन्होंने ये बनाया वी विल स्टडी अबाउट दिस ये जो लियोन वोलबर्ग थे इन्होंने भी ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशन भी थे इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज की जैसे कि बिल्कुल योगी उजैटी ने भी किया वैसे इन्होंने भी काम करा है रूरल क्रेडिट यूनियंस और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ लेकिन ये जो थे ये एडवोकेट करते थे रेफन को तो रेफन मॉडल को ये ज़्यादा एडवोकेट करते थे और इन्होंने क्या काम करा था इसीलिए इनको बोलते भी हैं कि रेफन ऑफ इटली लियोन वालमबर्ग को इन्होंने क्या करा फिर ही अलोंग विद द ग्रुप ऑफ मोर थर्टी फार्म वर्कर्स तीस फार्म वर्कर्स और छोटे छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स जिनके पास छोटी छोटी टुकड़ियाँ थी लैंड्स की जो ओन करते थे उनको तो उन सब बंदों को मिला के इन्होंने एक जो फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक था लोरेजिया में डाल दिया उसकी फाउंडिंग स्टोन डाल दी वहाँ पे 1883 में और इस बैंक का ये काम था कि ये टेनेंट्स लैंड ओनर्स या छोटे छोटे फार्मर्स एग्रीकल्चरल वर्कर्स को लोन्स देते थे लो रेट पे और लॉन्ग डेडलाइंस पे यानी कि उनको जल्दी चुकाने की भी इतनी जल्दी नहीं थी वो आराम से एक लंबे अरसे तक एक लोन ले सकते थे और उसका उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते बढ़ते नहीं बढ़ता था एक अच्छी रीज़नेबल रेट पर उनको लोन मिलता था बहुत देर के लिए फिर उसके बाद 1885 में जो है उन्होंने एक अपना मंथली पब्लिकेशन शुरू करा जिसका नाम था रूरल कॉपरेशन रूरल कॉपरेशन तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये 1904 तक ही पब्लिश होता रहा और ये तो हमने पढ़ ही लिया जो उजायटी थे उन्होंने 1866 में बैंक एक बनाया था एक बैंक टाइप का एक कोऑपरेटिव क्रेडिट यूनियन बना ली थी उसके बाद वोलबर्ग ने जो है कैसे रूरली लोरिजिया में बनाया तो ये भी एक क्रेडिट यूनियन ही थी एक क्रेडिट सोसाइटी ही थी लेकिन इन्होंने क्या काम करा ये ज़्यादा छोटे छोटे फार्मर्स की तरफ ध्यान देते थे स्मॉल फार्मर्स Uh, जबकि जो उजैटी का जो ये था क्रेडिट यूनियन वगैरह वो ज़्यादा बड़े फार्मर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे दीज यूज टू कंसनट्रेट ऑन स्मॉल फार्मर्स एज वेल तो इसलिए इनको जैसे रेफेसन ने किया था रूरल गांव वग़ैरह में उन्होंने छोटे छोटे पैमाने पे विलेज में काम करा था इसीलिए इनको रेफेसन ऑफ इटली भी कहा जाता है तो ये तो था इटली का उसके बाद आते हैं फ्रांस फ्रांस में अभी फ्रांस में क्या हुआ कि कुछ प्रोमिनेंट नाम है चार्ल्स फोरियर इन्होंने क्या करा है इन्होंने दी हुई है थ्योरीज ऑफ एसोसिएशन सेंट साइमन ये देखिए थ्योरीज ऑफ एसोसिएशन पे काम करा है देन प्रोडॉन और बोसेज ये कुछ नाम हैं जिन्होंने फ्रांस में काम करा है ऐसे ही वहाँ पर भी चलता रहा ये क्रेडिट यूनियन सिस्टम वगैरह वहाँ पर भी बनती रही सोसाइटीज़ और ये कुछ प्रामनेंट नाम है जिन्होंने इस पर बहुत काम किया कुछ पब्लिकेशंस भी दी जैसे चार्ल्स फोरियर ने पब्लिश किया अपना काम जिसको जिसका नाम क्या था पेपर का एट रिटाइज ऑन डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एसोसिएशन यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि उन दोनों एग्रीकल्चरल पर ज़्यादा फोकस होता था तो आप देखेंगे हर एक कंट्री में एग्रीकल्चरल एसोसिएशन पर भी बहुत फोकस है इनफैक्ट क्रेडिट यूनियंस का फोकस भी ज़्यादा एग्रीकल्चर ही था इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम सेइंग हालांकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेबर्स वगैरह के लिए भी था वो क्रेडिट यूनियंस जैसे अर्बन बनाए शुल्ज़े ने लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स आप देखेंगे एग्रीकल्चरल एसोसिएशन ज़्यादा बनती थी इसी तरह से सेंट साइमन ने भी बहुत थ्योरीज ऑफ एसोसिएशन पे काम किया और प्रौढ़ जो थे उन्होंने भी एडवोकेट किया म्यूचुअल एड एंड फ्री क्रेडिट तो म्यूचुअल एड में ऐसा होता है केयरिंग फॉर ईच अदर आल्सो शेयरिंग एंड केयरिंग ओके तो अपने ग्रुप में जो मेंबर्स थे एक दूसरे को म्यूचुअली एड करते थे एक दूसरे की हेल्प करते थे जैसे हम लोग फ्रेंड्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हेल्प करते हैं म्यूचुअली और फ्री क्रेडिट तो इसी तरह से बहुत से जो थे उन्होंने आइडिया दिया इन एलियनेबल कलेक्टिव कैपिटल इन एलिएनेबल इज जो कि सर्कुलेशन में ही रहे जो बाहर ना आए इट यूज़ इट यूज़ टू गो इन सर्कुलेशन कलेक्टिव कैपिटल एंड वर्कर्स प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने फ्रांस में काम करा इसको थोड़ा आगे ले जाने में जिन्होंने आप देखेंगे इट्स नॉट ओनली फिलोसफिकल यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है और फिलोसफिकल भी है इसमें पब्लिश भी हो रहे हैं पेपर्स थ्योरीज भी दी जा रही हैं ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर थ्योरीज ऑफ एसोसिएशन ही आ, आ रही हैं और यहाँ पर कुछ टर्म्स भी हैं यू विल सी दिस तो फ्रांस में इसके रिलेटेड पेपर्स बहुत पब्लिश हुए काम हुआ इस पर थ्योरीज़ वग़ैरह में एंड देन इट इज़ इसराइल इसराइल में क्या हुआ था इसराइल में भी Uh, approximately 80% of total agricultural output is produced on cooperative and communal farms kuch कुछ time पहले का data है ये और दैन फोर मेजर फार्म इसमें जो चार एग्रीकलचरल कॉपरेटिव हैं वो है ये किबुदम मोशाविम, कम्यूनल मोशाविम एंड सेकेंडरी सर्विस कोऑपरेटिव्स इस में आते हैं जैसे किबुत्स जो है ना दे आर कलेक्टिव कम्युनिटी इन इसराइल जो ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड uh, थे सो किबुत्स इज़ किबुमसो एग्रीकल्चरल एसोसिएशन इसी तरह से मोशाव जो थे दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ इसराइली टाउन सेटलमेंट ठीक है तो वो टाउन सेटलमेंट में जो इसराइली थे वो फार्म्स पे काम करते थे तो मोशावी में इसी तरह से कम्युनल मोशाट सेकेंडरी सर्विस कम जो थी वो इसराइल में अभी भी मतलब दिस दिस इज आफ्टर आई एम सेइंग कि ये इवॉल्व होते होते कॉपरेटिव मोमेंट कहाँ पे पहुँचा देन इसराइल में वी हैव दीज टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव अभी के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टाइम आई विल डिस्कस आई थिंक कि अब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द जापैन एंड देन अबाउट द रशिया रशिया है यहाँ पे लेकिन आई एम नॉट डिस्कसिंग इट टुडे बिकॉज इट विल टेक टाइम हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है पढ़ना है और जापान वगैरह के बारे में भी सही से पढ़ना है सो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर का हाफ uh, टाइम में पहले ये सब एक्सप्लेन करूँ एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्री इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ कॉपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था एंड देन वी विल स्टार्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया Uh, we will continue with that uh, i hope ki today's lecture was uh, concise and it was comprehensive if you have any queries and if i think it could over be karnate please let me know in the comment section thank you take care bye bye